आज हमारी चुनावी यात्रा राजस्थान सरकार के रोडवेज बस में पहुंच चुकी है और हमारे साथ में कुछ यात्री हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव में किस तरह का माहौल है। राजस्थान में 25 सीटें हैं और कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना है और साथ ही कई निर्दलीय भी ताल ठोक चुके हैं। कई मुद्दों पर लोगों से जनता से राय लेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनकी क्या राय है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम भवानी सिंह है। क्या लगता है, जो कहाँ से हैं आप? मैं तो यहाँ से पाली लोकसभा क्षेत्र है मेरा। पाली में पीपी चौधरी साहब है, संगीता जी बेनीवाल है, पहली बार उम्मीदवार बनाया है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? अभी तो पीपी चौधरी साहब का पलड़ा भारी है। क्यों भारी लगता है आपको? लगता काम भी करवाया है और बीजेपी की सरकार है, सबकी भावना वही है बीजेपी की। एक ऐसा परसेप्शन है कि संगीता जी बाहर की है इसलिए भी इतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है, क्या ये सही है? हाँ वो सही है, बाहर की है ना इसलिए, और दो बार रह चुके हैं पीपी चौधरी साहब। काम अच्छा हुआ है आपके? काम अच्छा हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? ब्रह्मलाल। कहाँ से हो आप? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा, किस तरह का माहौल है आपके क्षेत्र में? अब जा रहा हूँ गांव, देखता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, अब जा रहा हूँ आज वोट करने के लिए। जाएंगे? हाँ, वोट के लिए तो जा रहे हैं, मिलने के लिए करने। अच्छा, कांग्रेस है, बीजेपी है, कौन अच्छा काम करवाया है पिछले 10 साल से? बीजेपी की सरकार है, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, प्रजातंत्र हो रहा है, चल रहा है, सही है। अच्छा, राहुल जी भी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, आजादी मिलनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? इतनी जानकारी है नहीं हमारे को, पहले जलो साहब थे, अभी भजन लाल जी बन गए, पता नहीं कल कौन बनेगा, भगवान जाने। अच्छा, महंगाई को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, क्या लगता है आपको, महंगाई बढ़ी है इस 10 सालों में? महंगाई तो चलेगा साहब, जनता बढ़ेगी महंगाई चलेगा। क्या नाम है भाई साहब? संजय। कहाँ से हैं आप? विजयनगर। क्या मॉल है विजयनगर? विजयनगर में विकास वाली सरकार के माहौल है, जो विकास करेगी उसी को वोट दिया जाएगा। दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री है, आपके क्षेत्र से ही है? नहीं, हमारे भजनलाल है ना, भजनलाल जी। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी बनने के बाद में कुछ विकास हुआ आपके यहाँ पर? अभी तक तो कोई ज्यादा बड़ा एक्शन हुआ नहीं है, पर हो रहा है, मामूली से ज्यादा एक्शन नहीं है अभी। राजधानी से हैं तो क्या लगता है आपको, एक अशोक गहलोत की सरकार थी पहले, अब भजनलाल जी की सरकार है बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी की सरकार 10 साल से है, किसका काम बेहतर लगा आपको? बीजेपी सरकार का काम बेहतर, कुछ चीजें प्रोग्रेस हुई है, कुछ जटिलता है कुछ कार्यों में, पर फिर भी बीजेपी सरकार अच्छी है। अच्छा, गहलोत साहब चिरंजीवी योजना और कई जैसी योजनाएं को लेकर बखान कर रहे हैं कि चिरंजीवी योजना अच्छी थी, आयुष्मान योजना इतनी अच्छी नहीं है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सर, आयुष्मान और चिरंजीवी दोनों जनता के लिए है और दोनों ही अच्छी है, दोनों में से जनता को हॉस्पिटलों का इनका इलाज मिलता है और मुफ्त काम होता है, थोड़ी सुविधा मिल जाती है उनको, तो दोनों योजना बराबर है, आयुष्मान भी ओके है तो चिरंजीवी ओके है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है? नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में जनता का भला ही है और ये बहुत अच्छी बात करी है सरकार, दोनों सरकारों ने मिलकर जो ये अस्पतालों का चिरंजीवी आयुष्मान बनाया, ये बहुत अच्छा काम किया है। और भी लोग हैं भैया, क्या नाम है? राजेंद्र राठौर। कहाँ से आप? मैं सर जयपुर से हूँ। अच्छा जी, जयपुर में किस तरह का माहौल है? जयपुर में 2 सीटें है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर। सर दोनों जगह पे ही जो पहले वाली सरकार है वो रिपीट हो रही है, जयपुर में तो माहौल यही है, क्योंकि आपने अभी देख लिया चुनाव में सरकार रिपीट हुई, चेंज हुआ माहौल, तो आपको खुद को लगता होगा कि लोगों का क्या मत है, किस तरफ लोग जाना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव में जैसे क्या मुद्दे जो है आपके रहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अलग स्थानीय मुद्दे रहते हैं, लोकसभा चुनाव में अलग तरह के मुद्दे रहते हैं, तो आप क्या मुद्दे सोचकर वोट करेंगे? लोकसभा चुनाव में मुद्दों का ये है कि अपने को भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेता चाहिए और वो चाहिए एक लीडर, कठपुतले नहीं चाहिए, और 10 साल से जो लीडर है वो सबको पता है, तीसरे नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली है नरेंद्र मोदी जी फिर से आ रहे हैं। देखिए, कठपुतले की बात की आपने और लीडर की भी बात की, देखिए राजस्थान में लगातार जो है बीजेपी आरोप लगा रही है कि पर्ची की सरकार है, भजनलाल जी को पर्ची निकाल कर बना, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, राजस्थान का तो माहौल ऐसा है, हर 5 साल में राजस्थान ने सरकार चेंज की, आपने इतिहास उठा के देख लिया, रिपीट कभी नहीं हुआ, तो राजस्थान का तो माहौल ऐसा है, जो सरकार काम नहीं किया तो अब के बाद उसको अंधे मुंह गिरा दिया राजस्थान ने।
और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का माहौल है। भाजपा क्या नाम है? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ, जयपुर ग्रामीण से। जयपुर ग्रामीण में किस तरह का टक्कर अच्छी है या एक तरफा माहौल है? नहीं नहीं टक्कर है, टक्कर है। क्या लगता है कौन जीत सकता है? हमें तो बीजेपी की उम्मीद है। क्यों बीजेपी की उम्मीद? क्यों? क्योंकि मोदी जी ने अच्छा काम किया और बढ़िया है। कोई दो काम आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हुए, आपको आपको सीधा इफेक्ट किए हों? तो हम किसान हो रखे हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमें जो 5-6 हजार रुपए साल के दे रहे हैं और काफी सुविधा दी है, मतलब किसानों के बारे में अच्छी सुविधा की। किसानों को लेकर काफी थोड़े टाइम पहले मुद्दा हुआ था, लोग किसान धरने पे बैठ गए थे एमएसपी को लेकर। क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये सही हुआ नहीं हुआ एमएसपी को लेकर, आप क्या सोचते? सर ऐसा है जो चल रहा है ना वो सही है, बाकी अध्ययन वगैरह करने का तो होता ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं। तो एक तरफा माहौल आप मान रहे हैं कि एक बीजेपी की बन सकती है? ठीक। क्या नाम है भाई साहब आपका? इंसाफ। क्या नाम है? इंसाफ। कहाँ से हैं आप? जोधपुर। जोधपुर से? जोधपुर में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्या लगता है किसका माहौल है? माहौल तो अच्छा है, भाई सरकार आएगी। किसका है? सरकार। इतना हमारे को ध्यान नहीं है सरकार के बारे में। मतदान को तो करोगे आप? किसको करोगे आप? किस क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान केंद्र जाएंगे? इतना क्यों, हमारे को ध्यान नहीं है तो। फिर भी ऐसे कोई काम जो आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए? काम तो सरकार कर रहा, करना चाहिए अच्छा काम, कोई अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा महंगाई के बारे में क्या सोचते हो, बढ़ी है कम हुई है या सही चल रही है, जो भी है? महंगाई तो दिनों दिन बढ़ रही जा रही है। अच्छा पहले गहलोत सरकार थी, यहाँ जोधपुर से ही गहलोत साहब आते हैं, किस तरह का काम कराया गहलोत साहब ने? काम तो अच्छा भी कराया नहीं। अच्छा नहीं करवाया? अच्छा ही कराया, काम अच्छा करवाया। अच्छा। क्या काम करते हो आप? हम तो बाहर काम करते कुंडिया का, सिरमेट का। और भी लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हनुमान राम। क्या नाम है? हनुमान राम। क्या माहौल है, कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर से। जोधपुर में कड़ी टक्कर मान रहे हैं, क्या लगता है क्या किसका माहौल भारी है? बीजेपी का। बीजेपी का भारी है। गजेंद्र सिंह जी का एक चीज को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, काम को लेकर, पानी को लेकर, क्या लगता है आप क्या कहेंगे इसको? देखो वो तो हर स्टेट में देखो काम में जो प्रोसेस है उसमें टाइम तो लगता ही है, कोई भी काम हो। अभी उनको ये जल जीवन मिशन है तो ये 5 साल में है तो उनको टाइम तो लगेगा ही काम में, और बाकी भी काम है तो सरकार बजट पास करती है, काम होने में आती है, पर केंद्र से जो भी काम आते हैं वो काम हो रहे हैं, ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। पानी की है, शिक्षा का है, सड़क का आज देखो तो, रेलवे का है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है केंद्र की तरफ से। अच्छा राजपूत समाज से आते हैं? नहीं मैं जाट। जाट की राजनीति बड़ी भारी है, खास कर नागौर में। क्या लगता है हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो अब किसका पड़ला भारी लग रहा है आपको? नहीं नागौर ज्योति मिर्जा है। तो वो भी नागौर में भी अब की बात देखो कि हनुमान जी को पिछली बार भी यहाँ पे थोड़ी टक्कर मिली थी, और अभी बीजेपी में ज्योति मिर्जा आई है, कांग्रेस को भी अलविदा कह के, तो यहाँ पे भी बीजेपी का ही पड़ला रहे। अच्छा पिछली बार बीजेपी के साथ में गठबंधन कर हनुमान जी बेनीवाल सांसद थे, कैसा काम करवाया उन्होंने? देखो बीजेपी में नागौर में उनका क्षेत्र है, उनमें वो नागौर के क्षेत्र में अच्छा ही काम करते हैं। अच्छा ही काम, नागौर से उन्होंने अच्छा काम किया है और वहाँ के लोग सपोर्ट भी है और लोग वहाँ से चाहते भी हैं। क्या नाम है भाई साहब? सुंदरलाल सोनी। कहाँ से हैं आप? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में किस तरह का माहौल है? भीलवाड़ा में तो बीजेपी निकलेगी, सरगुड़ जी को ही रहेगा। क्यों बीजेपी का? क्यों? काम ठीक रहा उसका, संगठन बहुत बढ़िया है, काम भी है, सुभाष जी ने भी काम कराया, ऐसा नहीं है तो ठीक है, देखिए अभी तो भी आदमी पॉपुलर बढ़िया है। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल हुआ था, काम काफी हुआ है, ऐसा नहीं। अच्छा लीडर के प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, आपकी पसंद कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने काम अच्छा कर रहा है, केंद्र की सरकार की योजनाएं बहुत बढ़िया है। कोई ऐसे दो काम जो आपको सीधे इफेक्ट किए हो?
खैर काम तो कराए तो हो ही रहना चाहिए। आज किसान सम्मान निधि वाला है वो भी एक किसान के लिए वही है, एमएसपी पे उन्होंने जो दिया है एमएसपी पे वही जाए तो विकास, सड़कों का विकास हो रहा है, सब में हो रहा है, तो उन्होंने हर चीज सर उसी बारे सनातन धर्म है तो उसके भी उन्होंने यही है ना। आज अगर सनातन धर्म नहीं है तो फिर अच्छी और क्या। अच्छा राम मंदिर की बात आप कर रहे हैं कि सनातन ने राम मंदिर बनवा दिया, सोनार का काम करते हैं आप? सोनार का काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट लाइन है मेरी, ट्रांसपोर्ट लाइन। ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति कैसी है, सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़कों की स्थिति बढ़िया है, अभी ट्रांसपोर्टेशन का भी काम बढ़िया ही है, तो कर ही रही गवर्नमेंट तो कोऑपरेट कर ही रही थी, आज हर चीज तो कोऑपरेट कर रही जल्दी चल रहा है। और केंद्र में तो एक ही है, नरेंद्र मोदी ने काम किया है, आज विदेशों में अपना धंधा चल रहा है, ये सब होशियारी की वजह से है। वर्कर अगर नहीं होगा तो कौन पूछेगा उसको, वर्कर है तभी तो इतनी बात है ना। और भी लोग है मैडम, क्या नाम है आपका? निर्मा। किस तरह कहाँ से हैं आप? ब्यावर जाना है। ब्यावर जाना, चलो ब्यावर में क्या मॉल है? ब्यावर में मॉल है, मैं जोधपुर रेवा, मैं आ जाऊँ। जोधपुर में इन्हें कांग्रेस भी है बीजेपी भी है, किन तरह का मॉल है? मॉल तो ब्यावर लेकिन जोधपुर में तो खुद कच्ची बस्ती पर एरिया मान का ही उठा है। आवासीय को सुविधा, सरकारी को योजना सुविधा नहीं मिली आपने? कई सुविधा बनने कई सुविधा की सुविधा नहीं। अच्छा 10 साल मोदी जी सरकार थी, कैडो कार्यकाल रही हो, कोई काम करवायो? काम तो मोदी जी करवा रहे, और कौन करावे? कांग्रेस कराने होगी, मैंने तो पट्टा मिल जाए बस जोधपुर में तो बढ़िया बात है। गहलोत साहब पट्टा नहीं दिलवाया प्रशासन शहरों के संघ में? कौन दिलावे? गहलोत तो मुसलमान ने दिलाए पट्टा, मन के तो दिलावे। क्यों मुसलमान ने? क्यों मुसलमान ने दिलावे? तो मुसलमान ने मिल जाओ तो गलत कही है, मैं वहां भी मिलना चाहिए, आपने भी मिलना चाहिए। मुसलमान की सरकार तो कांग्रेस ही है। और बीजेपी? बीजेपी हिंदू आ रही, बीजेपी मुस्लिम वास्ते काम नहीं करे, भगवान मुस्लिम वास्ते भी काम करे। जैसा हिंदू लाजोड़ा है हॉस्पिटल में, लाजोड़ा जगह जगह हिंदू हिंदू कर रहे भगवान, हिंदू मुस्लिम में मुद्दा रहे ला। क्या नाम है भैया? मंगलराम गुजर। कहाँ से आप? जोधपुर से। जोधपुर से क्या मॉल लग रहा है लोकसभा चुनाव में? कोई मतलब नहीं इनमें, कोई मतलब नहीं। मतलब क्यों नहीं है? नहीं कोई मतलब नहीं है, मोदी सा है इनको, कांग्रेस से बीजेपी कोई मतलब नहीं है, कोई अपने को मतलब नहीं है, अपना खाओ पियो मजा करो ऐसा काम हो रहा है। मजा करो फिर भी मतदान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या मतदान करना चाहिए नहीं? किस बात का करें हम मतदान? किस बात का करें हम? सब कुछ करते हैं, मोदी भी आया तो कोई कुछ नहीं करा। अशोक गहलोत है, हम मानते हैं अशोक गहलोत ने का काम करा है, बहुत अच्छा करा है जोधपुर में, एम्स बना दिया हॉस्पिटल सरकारी भी, जैसे सब कुछ उनका लेन देना, मोदी ने क्या कर दिया एक राम तो किसी को तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ने अच्छा काम करा है बीजेपी नहीं, तो किसी को तो मतदान करना ही चाहिए, तो मतदान से बेरुखी क्यों? नहीं हमारे को तो इन्होंने दिया है अशोक गहलोत ने अच्छा काम करा है, एम्स बना दिया जोधपुर के अंदर, कोई सरकारी योजना लिए उन्होंने ले लिया, कोई पैसे ऐसे कुछ नहीं, कोई भी गरीब आदमी मर रहा है उनके साथ वो अशोक गहलोत दे रहा है, मोदी मोदी कुछ नहीं दे रहा है, सब बात है मोदी जी ने काम नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा है मोदी ने, क्या करवाया है राम मंदिर बनवाया और क्या करवा दिया, लॉकडाउन में करवाया सामने करवा तो हम भी जानते हैं, ये बात है हमारे पास। तो कह रहे थे इतने दशकों से इतने सालों से कई सालों से जो है राम मंदिर नहीं बना था, हमने बनवा दिया, क्या करें? कई सालों से नहीं बनाया, वोट भी मांग रहे इसके ऊपर है, वोट हमने वोट देने के लिए हमको किसी को भी दे देंगे, पर एक हमारे तरफ से एक जान रहे हम अशोक गहलोत कर रहे हैं, एम्स बनाया अशोक गहलोत ने बनाया, सरकारी अस्पताल सबने अशोक गहलोत ने बनाया, कोई मतलब नहीं है। ये थे आम जनता हमारे साथ में राजस्थान रोडवेज में समर्थ भी, उन्हें अलग अलग क्षेत्र के कई लोगों ने अपने रिव्यू रखे और बताया कि उन राजस्थान में कौन आ गया है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।